हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है केंद्रीय बजट 2022-23। अभी हाल फिलहाल में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भारतीय बजट पेश किया गया, लेकिन इस भारतीय बजट 2022-23 को पढ़ने से पहले हम बजट के एक बैकग्राउंड हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, यानी कि बजट का हमारे भारत में इतिहास क्या रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23, लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम देखेंगे आपके बजट का इतिहास। ध्यान दीजिएगा, भारत में जो बजट पद्धति की जो शुरुआत है ये किसके काल से प्रारंभ हुई पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से। हमारे देश में जो है आपके बजट की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में वर्ष 1860 में जेम्स विलियम के द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। डायरेक्ट देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का क्वेश्चन है। आधुनिक भारत वाले पोर्शन में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके शासनकाल में बजट पद्धति की शुरुआत हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बजट पद्धति की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1860 में पहली बार जेम्स विलियम के द्वारा आपका बजट पेश किया गया था। ठीक, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। हमारा भारत देश आजाद हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। तो भारत की आजादी के पश्चात स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आपके आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। अगला क्वेश्चन पूछता है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ। गणतंत्र भारत का पहला बजट का मतलब देखिए, भारत देश आजाद हुआ था आपका 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ आपके वर्ष 1950 को। वर्ष 1950 यानी कि भारत के संविधान बनने के पश्चात गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1950 में जॉन मथाई के द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। ठीक, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री है, इसको थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा। भारत में बजट पद्धति की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से हो चुकी थी। 1860 में जेम्स विलियम के द्वारा बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। गणतंत्र भारत का यानी कि भारतीय संविधान बनने के पश्चात गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा वर्ष 1950 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अब देखिए, ये जो आपका बजट है, इस बजट का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इस बजट का उल्लेख है तो ध्यान दीजिएगा, आपके अनुच्छेद 112 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इस बजट का उल्लेख है। देखिए, ये आपका संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान में डायरेक्ट आपका बजट करके कोई किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है और यही वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसे ही हम कहते हैं आपका बजट। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इस अनुच्छेद को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, जो निर्मला सीतारमण है हमारे भारत की वर्तमान आपके केंद्रीय वित्त मंत्री है, इनके द्वारा अभी इस साल 73वां बजट पेश किया गया। ठीक है, 73 नंबर का, भारत की आजादी के पश्चात वर्ष 1947 के बाद से लेकर के अब तक जो है हमारे भारत में टोटल 73 बजट पेश हो चुके हैं और इस साल जो बजट पेश किया गया ये भारत का 73वां बजट था। ठीक है, बीच में भी और जो है आपके कई बार आपके अंतरिम बजट पेश हुए उसे काउंट नहीं कर रहे, हम आम बजट की बात कर रहे हैं। हमारे भारत में जो बजट पेश किया गया है ये 73वें नंबर का बजट है। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो आपका जो बजट पेश किया गया है आपका वर्ष बजट 2022-23 ये 73वां बजट है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। भारत की पहली, वर्ड जो बोल रहा हूं उसको ध्यान समझते हुए चलिएगा, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी जो कि वर्ष 1970 में भारत के आपकी प्रधानमंत्री थी और प्रधानमंत्री के साथ साथ इन्हें वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। ठीक है, इन्हें जो है आपके वित्त मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, ये पूर्ण रूप से आपकी वित्त मंत्री नहीं थी, इन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी तो वो है आपकी इंदिरा गांधी, लेकिन पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है पूछा जाएगा तो वो है आपके निर्मला सीतारमण। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा यहां पे कुछ ईयर दिए गए हैं, इस ईयर से तो वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जनरली अगर कभी से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया या आपका बेसिक नॉलेज के लिए ये थोड़े से ईयर को आप याद रखिएगा। देखिए, एक है आपका वर्ष 1956
वर्ष 1956, ध्यान दीजिएगा यहां लिखा हुआ है भाषा, वर्ष 1956 से पहले यानी कि वर्ष 1955 तक जो आपका बजट है ये आपके अंग्रेजी भाषा में ये बजट पेश किया जाता था, और वर्ष 1956 के बाद से यानी कि वर्ष 1956 से जो है ये बजट आपके हिंदी में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, सेकंड ईयर है आपके वर्ष 1917 में है आपका तारीख, ध्यान दीजिएगा वर्ष 1917 से पहले यानी कि 2016 तक जो बजट है ये फरवरी माह की आखिरी तिथि या तो 28 का महीना होता है तो 29 का महीना होता है, फरवरी माह की आखिरी तिथि में आपका बजट पेश किया जाता था, जबकि वर्ष 2017 से ये आपका इस डेट को चेंज कर दिया गया, वर्ष 2017 से जो है बजट जो है ये आपके फरवरी माह के पहले दिन यानी कि 1 तारीख को भारतीय बजट पेश किए जाने की परंपरा की शुरुआत की गई। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका वर्ष 2017 सेम आपका ईयर है रेल बजट, ध्यान दीजिएगा जो रेल बजट है वर्ष 2017 से पहले यानी कि वर्ष 2016 तक जो रेल बजट है ये आपका आम बजट से पृथक पेश किया जाता था, यानी कि आम बजट अलग पेश किया जाता था और रेल बजट अलग पेश किया जाता था, लेकिन वर्ष 2017 के बाद ये जो आपका रेल बजट है इस रेल बजट का विलय आम बजट में कर दिया गया। ठीक है, आम बजट में अब थोड़ा सा ध्यान समझना, देखिए दो समिति का नाम बताऊंगा उसको ध्यान समझिएगा। वर्ष 1924 में एक समिति थी जिसका नाम था आपका एकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर, वर्ष 1924 यानी कि अंग्रेजों का समय, वर्ष 1924 में एकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर जो है आपका आम बजट से रेल बजट को पृथक किया गया। ठीक है, यानी कि आम बजट अलग से पेश किया जाएगा और रेल बजट अलग से पेश किया जाएगा, लेकिन वर्ष 2017 में एक समिति आई जिसका नाम था आपका देवराय समिति, विवेक देवराय जिसके अध्यक्ष थे, देवराय समिति की सिफारिश के बाद जो है आपका रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया गया, यानी कि आम बजट में ही रेल बजट को पेश किया जाता है, इस ईयर को याद रखना है। वर्ष 2021 में जो है आपका पेपरलेस बजट पेश किया गया, यानी कि टैबलेट में आपकी जो वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, उन्होंने टैबलेट में आपका यानी कि जो आप मोबाइल से बड़ा रहता है टैबलेट में बजट को पढ़ करके सुनाया। ठीक है, तो भारत का जो आपका पहला पेपरलेस बजट जो पेश किया गया था यह था आपका वर्ष 2021 में। ठीक है, वर्ष 2021 में भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए वैसे जो है आपका वर्ष अगर हम एक और ईयर यहीं पे याद रख लीजिएगा वर्ष 2019 से पहले आपका जो बजट है वो एक ब्रीफकेस में लाया जाता था। ठीक है, एक सूटकेस में एक ब्रीफकेस में लाया जाता था, इस परंपरा को भी तोड़ा गया आपके निर्मला सीतारमण के द्वारा। निर्मला सीतारमण ने क्या किया, आपके बही खाता के रूप में यानी कि जो आपका बजट है उसे लाल कपड़े में लपेट करके उसे धागे से बांध करके बही खाता के रूप में पेश किया था, और वर्ष 2021 में इन्हीं निर्मला सीतारमण ने भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस वित्त मंत्री के द्वारा सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया, तो ध्यान दीजिएगा देखिए किस वित्त मंत्री के द्वारा सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया, तो वो है आपके मोरारजी देसाई के द्वारा टोटल 10 बार बजट पेश किया गया था। उसके बाद सेकंड नंबर पर है आपके पी चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी दोनों, उसके बाद है आपका यशवंत राव चौहान, आप यहां पर नाम देख सकते हैं, मनमोहन सिंह के द्वारा जो है आपके टोटल 6 बार बजट पेश किया गया था। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि किस वित्त मंत्री के द्वारा इतिहास में सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है, तो वह कौन है, वो है आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब जो आपका बजट क्या होता है, सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। ठीक है, सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहा जाता है। अब सरकार को किन किन क्षेत्रों से इनकम होती है और जो प्राप्त इनकम है उसे सरकार किन किन क्षेत्रों में व्यय करती है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा को आपका बजट कहा जाता है। तो देखिए यहां पर जो है आपके सरकार के आय के बारे में बताया गया, यानी कि सरकार को रुपया कहां कहां से आता है। देखिए ध्यान समझिएगा, जो आपके सरकार को जो कुल आय होती है, कुल आय का 36% यानी कि जो सर्वाधिक जो आपका हिस्सा है वो आपके कर्ज एवं देवताओं से आती है। कर्ज एवं देवताओं से मतलब यानी कि जो केंद्र सरकार जो राज्यों को जो उधारियां देती है, जो ऋण देती है, उस ऋण के ब्याज के स्वरूप जो पैसे आते हैं उसका उल्लेख है, यानी कि कर्ज और देवताओं के माध्यम से जो सरकार को आय होती है वो आपके सरकार को होने वाली सर्वाधिक आय है। ठीक है, सेकंड नंबर पर अगर हम देखेंगे तो सेकंड नंबर पर आपके वस्तु एवं सेवा कर,
ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम से लगभग 15% इनकम होता है, उसके बाद 14% इनकम आपके इनकम टैक्स यानी कि आयकर के माध्यम से होता है, 13% इनकम जो है ये कॉरपोरेट टैक्स यानी कि निगम कर के माध्यम से होता सॉरी होता है, और जो आपका 8% है, ये जो आपका 8% है, 8% आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क और 6% गैर कर राजस्व, 5% गैर ऋण पूंजी। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शुरू के 3 को याद रखिएगा कि सरकार को जो आपकी आय होती है वो सर्वाधिक आय आपके कर्ज एवं देवताओं के माध्यम से होती है, और जो आपके सेकंड नंबर पर है आपके जीएसटी के माध्यम से, थर्ड नंबर पर है आपके आयकर के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए सरकार को तो इनकम हो गया, लेकिन जो इनकम हुआ तो सरकार इन पैसे को कहां खर्च करती है, तो सरकार को प्राप्त होने वाली जो आय है उसका सर्वाधिक हिस्सा ब्याज भुगतान के रूप में जाता है, यानी कि केंद्र सरकार भी जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ब्याज जो पैसा उधार लेती है उस उधार पैसा का ब्याज चुकाने पर जो है सर्वाधिक खर्च करती है हमारी केंद्र सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार का जो सर्वाधिक हिस्सा है वो ब्याज भुगतान पर जाता है, उसके बाद कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा यानी कि जो सरकार टैक्स लगाती है, जैसे कि जीएसटी ही हो गया। ठीक है, तो जो सरकार जो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाती है उन टैक्स में जो राज्यों का हिस्सा होता है उस राज्यों के हिस्सा को देने में सरकार का खर्च होता है। उसके बाद 14% जो है ये केंद्र सरकार की क्षेत्रीय योजनाओं पर यानी कि जो योजनाएं जो केंद्र सरकार लाती है उनमें खर्च होता है, 10% वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण पर, 10% अन्य व्यय कर पर। ठीक है, बाकी ये सबको देख लीजिएगा। 8% जो है सब्सिडी पर, सब्सिडी यानी कि आप सुने होंगे सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता है, वही सब्सिडी यानी कि एक प्रकार का छूट। रक्षा क्षेत्र में यानी कि डिफेंस सेक्टर में, रक्षा क्षेत्र में लगभग जो है 8% व्यय करती है, और पेंशन देने में सरकार जो है 5% व्यय करती है। तो ध्यान दीजिएगा सरकार को प्राप्त होने वाली सर्वाधिक आय जो है वो कहां से प्राप्त होती है, कर्ज एवं देवताओं से प्राप्त होती है, जबकि सर्वाधिक व्यय कहां होता है, ये होता है ब्याज भुगतान में। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया भी हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सरकार का जो सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में होता है, तो ब्याज अदायगी में सरकार का सर्वाधिक व्यय होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बजट का आकार। जो आपका बजट का आकार है, ध्यान समझिएगा, इस साल जो बजट पेश किया गया उस बजट का आकार है आपका 39.45 लाख करोड़। ठीक, यानी कि इस साल जो आपका केंद्रीय बजट पेश किया गया, आपका बजट 2022-23, उस बजट का आकार था आपका 39.45 लाख करोड़। ठीक है, 39.45 लाख करोड़ ये बजट का आकार था इस साल का, एक लमसम डाटा याद रखिएगा, वैसे तो इससे क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आर्थिक वृद्धि दर, या इसे ही कहा जाता है आपका विकास दर, आर्थिक वृद्धि दर या विकास दर, जो आपका इस साल यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जो विकास दर है या आर्थिक वृद्धि दर है वो 9.27% अनुमानित है। आपका 9.27% देगा या आपका 9.2% देगा, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर या भारत का विकास दर कितना अनुमानित है, तो वो कितना अनुमानित है, 9.27% अनुमानित है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, बजट का आकार कितना है, 39.45 लाख करोड़ रुपए, जबकि वृद्धि दर या विकास दर कितना है भारत का आपके वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितना अनुमानित है, वो है आपका 9.27%। ठीक, अब देखिए राजकोषीय घाटा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है, अगर सीधे साधे शब्दों में हम देखें कि अगर सरकार की जो आय है, सरकार की आय से ज्यादा अगर सरकार का व्यय है, यानी कि जितना सरकार को इनकम होती है उससे ज्यादा अगर सरकार खर्चा करती है, यानी कि सरकार को नुकसान हो रहा है, जेब में अगर आपके जितना पैसा है उस पैसे से ज्यादा अगर आप खर्चा करेंगे तो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। तो वही है, देखिए सरकार को राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल खर्च यानी कि जो व्यय हो रहा है, कुल खर्च उसकी कुल कमाई से ज्यादा होता है, और यही कहलाता है आपका राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित है आपका 6.4%। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा। ठीक है, जो हमारा जो राजकोषीय घाटा कितना है जीडीपी का, आपका 6.4% है हमारा राजकोषीय घाटा। जब सरकार का जो खर्च है उसकी कुल कमाई से ज्यादा होता है तो यह कहलाता है आपका राजकोषीय घाटा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमानित है 6.4%।
ध्यान दीजिएगा, जो पिछड़ा वित्तीय वर्ष था, वित्तीय वर्ष 2021-22 में यही राजकोषीय घाटा है आपका 6.9%। ये है आपके चालू वित्तीय वर्ष के लिए, ध्यान दीजिएगा। अभी जो बजट पेश किया गया है, बजट 2022-23, ये बजट जो 2022-23 है ये लागू होगा आपके 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से लागू होगा। और अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है आपका फरवरी, यानी कि अभी ये फरवरी से लेकर के अप्रैल तक ये क्या है, चालू वित्तीय वर्ष है, यानी कि कौन सा चल रहा है, वित्तीय वर्ष 2021-22 चल रहा है। तो अभी अभी जो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो भी एग्जाम आएगा उसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि चालू वित्तीय वर्ष में भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो वो है, वो रहेगा आपका 6.9%। अगर उसमें देता है कि आपका वर्ष 2022-23 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो वो आएगा 6.4%। या डायरेक्ट आपको ईयर मेंशन करके देगा या ऐसे वर्ड मेंशन करके देगा, ठीक है। लेकिन ये कब तक वैलिड है, 1 अप्रैल से पहले, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद आपका ये वाला डाटा लागू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% राजकोषीय घाटे, या इसे ही आपका वित्तीय घाटा कहा जाता है, राजकोषीय घाटे की अनुमति है। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें, हमारा जो आपका छत्तीसगढ़ सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आपका अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उन्हें पैसे देती है, लेकिन पैसे सरकार अपने जेब से तो देती नहीं है, और सरकार को, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को आय भी कम होती है, तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या करती है, उधारियां लेती है, ठीक है, आपके केंद्र सरकार से उधारी लेती है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से उधारी लेती है। तो जितना उधारी लेगा, यानी कि जो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जितनी उधारी लेगी उतना उसके ऊपर आपका कर्ज चढ़ेगा, तो कर्ज चढ़ेगा तो क्या होगा, सरकार क्या करेगी, अपने कुल कमाई से ज़्यादा क्या कर रही है, सरकार खर्च कर रही है। लेकिन बजट में ये मेंशन किया गया है कि भारत का कोई भी राज्य आपके वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य जो है अपने कुल जीडीपी का, जीएसडीपी, अपने कुल जीएसडीपी का 4% का राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, यानी कि 4% से ज्यादा ये राजकोषीय घाटे नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि राज्यों को कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटे की अनुमति है, वो है आपके 4%। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखेंगे हम अमृतकाल। इस साल जो आपका बजट का जो मेन फोकस पॉइंट रहा वो था यही अमृतकाल। आप सभी को पता होगा जो केंद्र सरकार है वो इस साल अमृत महोत्सव मना रही है। अमृत महोत्सव यानी कि हमारे आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ, वर्ष 2022 में हमारे आजादी के आपके 75 साल पूरे हो जाएंगे, ठीक। तो बजट 2022 के, वर्ष 2022 के बजट के साथ भारत में आजादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से आजादी के 75 साल पूरे कर लिए। इस साल बजट में अगले 25 साल के लिए योजना का निर्धारण किया गया है। देखिए अभी जो है 75 साल पूरे हुए हैं, अगर इसमें बात हो रही है अगले 25 साल की, यानी कि 100 साल, यानी कि जब हमारे देश के आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे उस पर चर्चा हो रही है, जिसे अमृतकाल कहा गया है। यानी कि जो आपका 75 साल पूरे हो गए, ये जो आपका अतिरिक्त तो जो 25 साल है, ये 25 साल के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा यही है आपका अमृतकाल, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा डायरेक्ट कि जो अमृतकाल है, अमृतकाल का जो आपका कालावधि कितनी निर्धारित की गई है, ये है आपके 25 ईयर, ठीक है, 25 साल इसकी कालावधि है, जिसे अमृत काल के रूप में माना गया है। अगले 25 साल में भारत एट द रेट 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए, यानी कि हमारे आजादी के 75 साल पूरे हो चुके, अब हम जो है आपके अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट 25 ईयर के लिए प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया जाएगा। ये जो आपका अमृत काल है, इसमें 4 प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया जाएगा। पहला प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि अमृत काल में किन 4 प्राथमिकताओं के विकास पर जोर दिया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, एज इट इज याद रखना है। पीएम गति शक्ति, पहला है पीएम गति शक्ति, दूसरा है समेकित विकास, तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना, और चौथा है आपके निवेशकों का वित्तीय पोषण, ठीक। इनको एज इट इज याद रखना है, मेन्स आंसर राइटिंग में भी काम आएगा।
पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति के लिए जो है टोटल 7 इंजन इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। 7 इंजन कौन कौन से हैं? एक है आपका सड़क, दूसरा रेलवे, तीसरा है आपका एयरपोर्ट्स, चौथे नंबर पर है पत्तन यानी कि डॉकयार्ड, पांचवे नंबर पर है आपके सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, छठवें नंबर पर है आपका जल मार्ग और सातवें नंबर पर है आपके लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, यानी कि लॉजिस्टिक अवसंरचना। तो ये टोटल आपके 7 इंजन निर्धारित किए गए हैं आपके पीएम गति शक्ति के अंतर्गत। समेकित विकास, समेकित विकास का मतलब सबका साथ सबका विकास। तीसरे नंबर पर है उत्पादकता में वृद्धि एवं निवेश, उदयमान अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी, ऊर्जा परिवर्तन एवं जलवायु कार्य योजना, और चौथे नंबर पर है आपके निवेश का वित्तीय पोषण। तो इसको याद रखिएगा। अमृतकाल, अमृतकाल का जो टाइम पीरियड है कितना है, यह है आपके 25 ईयर। ये डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है, ठीक। अब देखिए सड़क परिवहन, जिससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, सड़क परिवहन ध्यान दीजिएगा, इस साल के आपके बजट 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे का विस्तार किया जाएगा और टोटल 25,000 किलोमीटर आपके नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। नेशनल हाईवे का विस्तार किया जाएगा और टोटल 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। लॉजिस्टिक पार्क डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। ट्रिपल पी मॉडल पर, ट्रिपल पी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी मॉडल पर जो है आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। कितने? टोटल 4। कहां पर बनाए जाएंगे इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन बजट में बोला गया है कि इस साल के बजट यानी कि बजट 2022-23 में घोषणा की गई है कि ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, टोटल 4 लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। तीसरे नंबर पर है आपके वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण, वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, अगले 3 वर्षों में 400 वंदे भारत आपके रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। आने वाले 3 वर्षों में 4 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कवच तकनीक। अब ये कवच तकनीक है क्या, ध्यान समझिएगा। देखिए, विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी एवं क्षमता में वृद्धि वाले आपके 2000 किलोमीटर रेल मार्ग कवच के अंतर्गत लाए जाएंगे। 2000 किलोमीटर वाले रेल मार्ग का मतलब, देखिए हमारे भारत में जो है आपके रेलवे एक्सीडेंट काफी बहुत आयत में होता है, लगभग जनरली आप साल में देखेंगे तो 2-3 आपको रेलवे एक्सीडेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो कवच तकनीक है, कवच तकनीक इसी पर आधारित है। यानी कि मान लीजिए एक आपकी ट्रेन की एक रेलवे ट्रैक है जिसके ऊपर आपका ट्रेन चल रही है, ट्रेन का एक डब्बा चल रहा है और इधर ट्रेन का एक डब्बा चल रहा है, तो एक निश्चित दूरी पर आकर के ये जो दो आमने सामने से आने वाले ट्रेन रुक जाए, यही है आपका कवच तकनीक। कवच तकनीक इसमें क्या किया जाएगा कि जो रेल मार्ग है, रेल मार्ग में लगभग 2000 किलोमीटर को जो है कवच तकनीक के अंतर्गत लाया जाएगा, ताकि ये जो रेलवे में होने वाले जो आपके हादसे है उसे रोका जा सके, यानी कि 0 रेलवे एक्सीडेंट जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो इस साल के बजट में घोषणा किया गया है कि लगभग 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका पर्वतमाला, पर्वतमाला परियोजना जो कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम से संबंधित है। हम देख चुके हैं, जैसे अगर पिछले कुछ सालों में अगर केंद्र सरकार की योजनाओं पर अगर हम ध्यान दें तो भारत सरकार के द्वारा लाया गया है आपका भारतमाला परियोजना, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग को लिंक करने से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ परियोजना है। दूसरा है आपका सागरमाला परियोजना जो कि जल मार्ग को जोड़ने से संबंधित है, और अब आ रहा है आपका पर्वतमाला परियोजना। ध्यान दीजिएगा, पर्वतमाला परियोजना क्या है? राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है। अब ये रोपवे क्या होता है, जैसे कि ये आपका जो फोटो है ये है आपके डोंगरगढ़ का, बम्लेश्वरी मंदिर का, आप देखे हैं बम्लेश्वरी मंदिर जो आपकी माता की जो प्रतिमा है वो पहाड़ की ऊंचाई पर स्थित है, तो वहां पर मौजूद है आपका ये रोपवे। रोपवे का सीधा मतलब है आपके उड़न खटोला, हमारे छत्तीसगढ़ में इसे कहा जाता है आपका उड़न खटोला, तो यही है आपका रोपवे, ठीक। तो रोपवे ध्यान दीजिएगा, इस साल के बजट में भारत सरकार जो है आपके पर्वतमाला परियोजना ला रही है, जिसमें 8 रोपवे परियोजनाएं शामिल की जाएगी, जिसकी कुल लंबाई होगी आपके 60 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 60 किलोमीटर लंबाई के आपके जो है रोपवे आपके संविदा में दिए जाएंगे, यानी कि ठेके के तौर पर दिए जाएंगे। ऐसे क्षेत्र जहां पर जो आपका परिवहन, सड़क परिवहन दुर्गम है, उन क्षेत्रों में आपके रोपवे के माध्यम से सुचारू परिवहन वहां पर मुहैया कराया जाएगा। तो टोटल 8 रोपवे परियोजना, जिसके अंतर्गत कुल 60 किलोमीटर लंबाई के आपके रोपवे डेवलप किए जाएंगे। तो यह है पर्वतमाला परियोजना। दोनों प्रश्न आ सकता है, पर्वतमाला परियोजना किससे संबंधित है? रोपवे से संबंधित है। राष्ट्रीय रोपवे विकास परियोजना के अंतर्गत जो है कितने रोपवे आपके संविदाओं में दिए जाएंगे, तो वो है आपके 8 रोपवे,
ठीक है, 8 रुपए परियोजना जो है इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है आपकी केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना, पहले ध्यान दीजिएगा, जो केन बेतवा लिंक परियोजना है यह आपके मध्य प्रदेश से संबंधित है। अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए यहां पर झांसी के पास यहां पर बह रहा है आपका नदी जिसका नाम है आपका केन नदी, ठीक, सॉरी यह है आपका बेतवा नदी, यहां पर जो बह रहा है यह है आपका बेतवा नदी, झांसी के पास बेतवा नदी, और इधर आपका बुंदेलखंड वाला जो एरिया है यहां पर बह रहा है आपका केन नदी, ठीक। ये जो आपका केन नदी है ये जनरली आपका सूखाग्रस्त रहता है, केन नदी जो है ये जनरली जो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है जो केन नदी है ये सूखाग्रस्त रहता है, और उसके विपरीत ये जो बेतवा नदी है यहां पर जनरली आपके बाढ़ आते रहते हैं। तो ये नदी, ये जो आपके दोनों नदी है इन्हें आपस में इंटरलिंक किया जा रहा है, यही है आपका केन बेतवा परियोजना, ताकि यहां जो आपके बुंदेलखंड वाले क्षेत्र के लोग जो सूखाग्रस्त, जो सूखा का मार झेल रहे हैं, उन्हें परिपूर्ण पानी मिल सके इस बेतवा नदी का। तो ये जो केन बेतवा परियोजना है इसकी कुल लागत है आपके 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसका उद्देश्य क्या है, इस केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से लगभग 9.08 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित आपकी सिंचाई सुविधा मुहैया होगी। इस आपके परियोजना जो लिंक परियोजना है इससे लगभग 62 लाख लोगों को आपके पेयजल आपूर्ति होगी, साथ ही साथ इसमें जो है ऊर्जा का उत्पादन लगभग 103 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 27 मेगावाट जो है आपके सोलर प्रोजेक्ट का जो है इसमें प्लानिंग है। ध्यान दीजिएगा इसका जो कुल लागत है वो है आपके 44,605 करोड़। इस बजट में यानी कि बजट 2022-23 में इस आपके परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। टोटल जो 44,605 करोड़ एक बार में नहीं दिया जा रहा है, पिछले बजट में भी कुछ राशि प्रदान की गई थी, इस साल के बजट में 1400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, और ये एकदम सडन एक ही साल में बनने वाली परियोजना नहीं है, धीरे धीरे जो है साल दर साल ये परियोजना आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ 5 रिवर लिंक्स, कौन कौन से, दमन गंगा पिंजल, तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार, पेन्नार कावेरी, नदियों के जोड़ने की परियोजना के लिए आपका DPR मसौदा यानी कि ड्राफ्ट को जो है अंतिम रूप दे दिया गया है इस साल के बजट में, ठीक है। तो यह है आपका केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। देखिए राष्ट्रीय कन्नड़ वर्ष घोषित, ये जो आपका बजट 2023 जो आपका वर्ष 2023 होगा, जो आपका वर्ष 2023 है, इस वर्ष 2023 को आपका राष्ट्रीय कन्नड़ वर्ष घोषित किया गया है। राष्ट्रीय कन्नड़ वर्ष का मतलब आपके मोटे अनाज का वर्ष। मोटे अनाज के अंतर्गत क्या क्या आता है, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, ये सभी के सभी क्या है, मोटे अनाज है। तो वर्ष 2023 को यानी कि अगला साल, अभी 2022 चल रहा है, वर्ष 2023 जो है उस वर्ष 2023 को आपका राष्ट्रीय कन्नड़ वर्ष, शुद्ध भाषा में कन्नड़ वर्ष, कन्नड़ ना देकर क्या बोल सकते हैं इसे, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, या मोटे अनाज ना देकर के आपसे प्रश्न अब में दे दिया जाएगा, राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि किस वर्ष को राष्ट्रीय कन्नड़ वर्ष घोषित किया गया, वर्ष 2023। किस वर्ष को राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया, वर्ष 2023। किस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया, वर्ष 2023, ठीक। अब इससे फायदा क्या होगा, फसलों प्रांत मूल्य संवर्धन, घरेलू खपत को बढ़ाने और कन्नड़ उत्पाद को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए सहायता दी जाएगी इस आपके वर्ष 2023 में। तो यह है आपका बाजरा, ठीक है, यह है आपका बाजरा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पीएम ई विद्या योजना। ये जो आपका प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, ये क्या है थोड़ा ध्यान समझिएगा, इस योजना के अंतर्गत 1 क्लास 1 TV चैनल कार्यक्रम में 12 से बढ़ा करके 200 टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का काम किया जाएगा। जब आपका कोरोना काल आया, कोरोना संक्रमण का जब दौर था, लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के समय जो है सारे स्कूल कॉलेज बंद थे, उस समय आपका पीएम ई विद्या योजना प्रारंभ किया गया था। पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत पूरे विश्व भर के 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के चैनल्स मौजूद है, ठीक है, उनके 100 से ज्यादा कोर्सेस मौजूद है। तो अब जो है, अब तक इसमें आपके टोटल 12 आपके टीवी चैनल्स मौजूद थे, अब इस 12 टीवी चैनल्स को बढ़ा करके 200 टीवी चैनल्स किया जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न आएगा अगर पूछा जाता है कि पीएम ई विद्या योजना के अंतर्गत बजट 2022-23
2020 में कितने टीवी चैनलों के माध्यम से छात्रों को शिक्षा देने का काम किया जाएगा, तो वो है आपके 200 टीवी चैनल्स के माध्यम से शिक्षा देने का काम किया जाएगा। ठीक है, ये है आपका पीएम ई विद्या योजना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका पीएम डिवाइन योजना। ठीक है, इसको आपका हिंदी में भी सेम लिखा हुआ आएगा, पीएम डिवाइन योजना। अब ये पीएम डिवाइन योजना क्या है, और एक और है आपका वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम या जीवंत ग्राम कार्यक्रम। ठीक है, इसको ध्यान समझना, ये दोनों के दोनों आपका जो योजना है ये क्षेत्रीय विकास पर आधारित है। जहां पर पीएम डिवाइन योजना जो है, ये आपका पीएम डिवाइन योजना ये पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, जो आपका पीएम डिवाइन डिवाइन जो आपका योजना है ये पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, जबकि ये जो आपके वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है ये उत्तर भारत, ठीक है, ये जो उत्तर भारत है उत्तर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित है। अब ध्यान समझिए, इसको एक ही शब्द में याद करना था इसलिए आपको मैप के थ्रू समझा रहा हूं। पीएम डिवाइन योजना ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन का मतलब पूर्वोत्तर भारत, ठीक है, या उत्तर पूर्व भारत। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये जो सेवन सिस्टर स्टेट है इसकी बात की जा रही है, उसके विकास, क्या बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, विकास से संबंधित है। तो आपका इस साल यानी कि बजट 2022-23 में घोषणा किया गया है कि आपके पी डिवाइन योजना के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे। ठीक, इसके लिए जो है आपके उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से ये विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अलग अलग जो हमारे पूरे भारत जो है ये अलग अलग परिषदों में बटा हुआ है, तो वैसे ही आपका उत्तर पूर्वी परिषद के माध्यम से ये विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि पीएम डिवाइन योजना संबंधित है, ये संबंधित है पूर्वोत्तर भारत या उत्तर पूर्व भारत के विकास से। वैसे ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ये क्या है, उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव जहां पर जनसंख्या ही छिटपिट है, छिटपुट है यानी कि एकदम कम है, डायरेक्ट आपके बजट में लिखा हुआ वर्ड है छिटपुट। ठीक, देखिए उत्तरी सीमा यानी कि जो आपके उत्तर भारत की बात हो रही है, उत्तर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में यानी कि एकदम कॉर्नर में सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां जनसंख्या बहुत ही कम है, उन्हें कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधा आदि प्रदान करने के लिए आपके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चालू किया जाएगा इस साल से, यह घोषणा किया गया है बजट में। हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज होता है जीवंत ग्राम प्रोग्राम। तो पीएम डिवाइन योजना जो कि पूर्वोत्तर भारत के विकास संबंधित है, और वाइब्रेंट विलेज योजना जो कि आपके उत्तर भारत के सीमावर्ती गांवों से या सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रैंप प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रैंप प्रोग्राम। ये जो आपका रैंप प्रोग्राम है यह क्या है, समझिएगा, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। अब यह क्या है, देखिए ये जो आपका रैंप प्रोग्राम है ये आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के स्थिति के सुधार से संबंधित है। जैसे कि अभी जो आपका पिछला एक दो साल जो है ये लॉकडाउन का काल रहा, इस लॉकडाउन में जो आपके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम जो उद्योग है पूरी तरीके से मर चुके हैं, तो इनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए आपके रैंप प्रोग्राम की घोषणा की गई है आपके बजट 2022-23 में। बजट 2022-23 में रैंप प्रोग्राम लाया गया है, ये क्या है, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब क्या है, एम का मतलब है आपका माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, एम का मतलब मीडियम। ठीक है, तो ये है आपका एमएसएमई। ये आपका जो इसकी जो अनुमानित लागत है वो है लगभग आपके 6,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी, और ये लागू होगा अगले 5 साल के लिए भारत में एमएसएमईएस। ठीक, यानी कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थिति में सुधार के लिए यह प्रोग्राम चलाया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम। जैसे कि पिछला जो आपका लॉकडाउन का जो काल रहा उसमें लोग घरों में रहे, काफी लोगों की नौकरियां छूट गई, काफी लोग जो है आपके मेंटली डिजीज के आपके शिकार हुए, यानी कि किसी को आपके एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई, किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई, कंडीशन यहां तक कि आपका हालत आ गया था कि लोग काफी लोगों ने सुसाइड कर लिया, और जो मेजॉरिटी ऑफ लोग जो आपके सुसाइड किए उसका मेन रीजन था उनका मेंटल हेल्थ। काफी लोगों ने डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया, काफी लोगों ने एंजाइटी के कारण सुसाइड किया, तो सरकार ने जो है आपके नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम आपकी चला हेल्थ प्रोग्राम के तहत आपके बजट 2022-23 में घोषणा किया गया है कि टोटल 23
उत्कृष्ट टेलीमेटल हेल्थ सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सभी आयु वर्ग के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से संबंधित परामर्श एवं देखभाल सेवाओं के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर की तकनीकी सहायता से ये जो है आपके इनका संचालन किया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये इसके तहत कितने आपके हेल्थ सेंटर या टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो टोटल है आपके 23। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं पर चर्चा करेंगे हम बजट के, जो कि सिंगल वन लाइनर है, आखिरी है। देखिए बजट 2022-23 की अन्य घोषणाएं, सबसे पहले नंबर पर है आपके मनरेगा। मनरेगा के तहत आपके बजट 2022-23 में 23,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जो कि पिछले बजट के कंपैरिजन में इस साल के बजट में मनरेगा के राशि में 25% की कटौती की गई है। ठीक है, कटौती की गई है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि आपके केंद्रीय बजट 2022-23 में मनरेगा के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है, तो 73,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेक्स्ट है आपके सिंगल वन लाइनर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक इकाइयां स्थापित की जाएगी। ठीक है, 75 जिलों में, भारत के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक इकाइयां स्थापित की जाएगी। अगर कभी से कथन आधारित प्रश्न पूछता है तो ऐसे जो है कुछ सिंगल वन लाइनर जो है आपको डिस्टर्ब करेंगे। नेक्स्ट है आपके वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों पर, यहां पर बात की जा रही है आपकी क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है, आपके बिटकॉइन, आपके डॉज कॉइन, ये सभी के सभी क्या है, आपका क्रिप्टो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी के हस्तांतरण से हुई किसी भी प्रकार की आय पर जो है आपके 30% की दर से कर लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहां पर जो है आपके 30% टैक्स की बात की जा रही है। देखिए अभी तक जो है जो आपका क्रिप्टो करेंसी ये जो है आपके ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित है, यानी कि सरकार जो है वर्तमान में सरकार इसे लीगल करेंसी नहीं मानती। बहुत से देश जो है क्रिप्टो करेंसी के आधार पर अभी अपने इकोनॉमिक को जो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बेस उसकी शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन भारत में जो है अभी तक ये माना जा रहा था कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से बैन करने वाली है, लेकिन इस साल के बजट में ये क्लियर हो गया है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं कर रही, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से जो इनकम होगी उस पर जो है 30% टैक्स देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स है, इसमें अगर लॉस होता है तो उसको किसी प्रकार का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना पड़ेगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न में या तो आपका वर्चुअल, ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति का मतलब जिसे छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, जो आपके पास जो नोट है उसे आप छू सकते हैं, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक डिजिटल मुद्रा है और इससे होने वाली जो आय है उस पर 30% टैक्स वसूलेगी। इस प्रतिशत को याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा साल भर होने वाले किसी न किसी एग्जाम में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्वयं क्या जो है डिजिटल रुपया की शुरुआत की जाएगी आपके वर्ष 2022-23 में, जो कि सेम आपके ब्लॉकचेन के ऊपर आधारित होगी। तो आपके RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय आपका डिजिटल रुपया की शुरुआत इस साल की जाएगी आपके वर्ष 2022-23 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस लक्ष्य को याद रखिएगा, ठीक है, इस साल के बजट में 80 लाख घरों के निर्माण की बात कही गई है आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। नेक्स्ट है आपका मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी, पोषण 2.0, ये आपके इसके जरिए महिलाओं एवं बच्चों के एकीकृत लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रश्न अगर आता है ध्यान दीजिएगा, जो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 ये महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट है अगले तीन साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं आपके इस साल के केंद्रीय बजट 2022-23 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, जितने भी चीज़ें बताई गई सारे के सारे चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, स्पेशली योजनाओं पर, यानी कि PM डिवाइन योजना क्या है या फिर आपके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ये इनके उद्देश्यों से या ये किस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम है इससे प्रश्न पूछा जाएगा। PM ई विद्या योजना के अंतर्गत कितने आपके TV चैनल्स के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जाएगा, 200 TV चैनल्स, तो ये सारे चीज़ों को याद कीजिए, ये सारी चीज़ों को याद कीजिएगा। कितने लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, टोटल 4, ठीक है। रोपवे वाला जो है आपके पर्वतमाला योजना के अंतर्गत टोटल 8
आपके रोपवे, आपका टोटल 8 रोपवे परियोजनाओं का जो है विकास किया जाएगा इस साल। तो ये है आपका पर्वतमाला परियोजना। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को याद कीजिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।